आज की इस वीडियो में रिलीजियस ओसीडी से संबंधित एक जबरदस्त टिप्स है। अगर इस टिप्स को समझ लिया, रिलीजियस ओसीडी की छुट्टी पक्की। वो टिप्स क्या है? रिलीजियस ओसीडी में विचार आता रहता ना कि सजा मिल जाएगी, पाप हो जाएगा, भगवान सजा दे देंगे, देवी देवता सजा दे देंगे, पाप लग जाएगा, नरक मिल जाएगा, ऐसा मन में बार बार आता रहता है। तो सजा और पाप है क्या, वो समझ लीजिए। मन की अशांति, मन का चैन सुख छिन जाना ही पाप है, वही सजा है। जिस समय आप अशांत हैं, आपके अंदर नेगेटिव विचार चल रहे हैं, आप तनाव में हैं, चिंता में हैं, आपके अंदर बदले की भावना है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है वो बिल्कुल कम है, आपके अंदर डर पैदा हो गया है, तो समझ लीजिए कि आप सजा में हैं। और रिलीजियस ओसीडी में जो रिचुअल करते हैं, भगवान को मनाते हैं, धोक देते हैं, जो भी रिचुअल करते हैं, उनमें क्या आता है? उनमें डर ही तो आता है, उनमें मन में बुरी फीलिंग ही तो आती है, मन में जो और मन की जो स्टेट ऑफ माइंड है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। तो रिलीजियस ओसीडी में रिचुअल करना ही सजा है, रिचुअल करना ही पाप है। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि आपकी मानसिक जो शांति है, चैन है, वो छिन रही है। तो यही पाप है, यही सजा है। तो ये रिलीजियस ओसीडी में रिचुअल करना ही पाप की श्रेणी में आता है। अगर आपके ये बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात करते हैं तो सजा और पाप से मुक्ति हमारी जिम्मेवारी है। आप रिटर्न में राजेंद्र जोधपुरिया वेबसाइट पर टिप्स पढ़ते हैं और राजेंद्र जोधपुरिया फेसबुक पेज को लाइक करते हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।